और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कैमूर से। आपको बता दें कि कैमूर के मोहनिया में बैंक ऑफ इंडिया के पास पेट्रोल पंप के कर्मचारी से 2.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। कर्मचारी बैंक में रुपए जमा कराने जा रहे थे और इसी दरमियान ये इस वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। आपको बता दें कि कैमूर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मोहनिया में बैंक ऑफ इंडिया के पास पेट्रोल पंप के कर्मचारी से 2.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। कर्मचारी से इस लूटकांड को तब अंजाम दिया गया जब कर्मचारी बैंक में रुपया जमा कराने जा रहा था। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जी मीडिया संवाददाता विपुल जी। विपुल माफ कीजिएगा, मुकुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकुल, सबसे पहले जानना चाहेंगे कैसे हुई ये घटना। देखिए, पेट्रोल पंप जयमा काली पेट्रोल पंप का स्टाफ 2.5 लाख रुपए लेकर के बैंक में जमा करने जा रहा था। पहले से घात लगाए लुटेरों ने उनका बैग छीन के भाग गया, जिसके चलते उन्होंने हल्ला किया। वहां पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन अपराधियों की अभी तक से लुटेरों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जी, अगर बात की जाए तो सबसे अहम बात यहाँ पे ये है कि सुरक्षा के इंतजाम काफी, बिहार में अगर चुनाव की बात करें तो इसके मद्देनजर सुरक्षा काफी व्यापक है, पुख्ता सुरक्षा किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अपराधी अगर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन पर सवाल उठेंगे। जी, इसके पहले भी कई बार यहाँ पे लूट हो चुकी है। बैंक में लोग पैसा जमा करने जाते हैं, जैसे गोला वाले हैं, इन लोग ऐसे जी पैसा जमा करने जाते हैं तो उनके अपराधियों ने पैसा लूट करके कई बार भागने का ऐसा, यानी साफ कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की जो ढिलाई है उसके चलते ही अपराधियों का मनोबल इतना चुस्त हो चुका है और वो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। तमाम जानकारियों के लिए मुकुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।